बागमारा के बीसीसीएल एरिया 05 मोदेडी कोलियरी में संचालित तितुलमुड़ी कोल डंप को चालू कराने को लेकर सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने मोदेडी कोलियरी गेट के समक्ष प्रदर्शन किया। मजदूरों ने कहा कि यह हमारे हित की लड़ाई है। कोल डंप बंद होने से सैकड़ों मजदूर भुखमरी की कगार पर आ गए। कि डंप 12-4 महीना से बंद है, तो उसको चालू कराने के लिए हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक मेमोरेंडम हम लोग आपका प्रबंधन को देने का काम किया। हो हल्ला की बातें देखिए, उसमें प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों ने झूठा केस यहाँ वहाँ हो हल्ला करके हम लोग का केस को फंसाने का काम किया। तो कुछ लोगों का है कि जो केस हो गया है वो समझ नहीं पा रहा है, वो अपना बोल रहा है कि हमारा केस हुआ है तो हमको हिस्सेदारी ज़्यादा मिलना चाहिए। तो हम लोगों का कहना एक चीज़ है, संयुक्त मोर्चा की तरफ से सबको हिस्सेदारी मिलेगा, जो उसका जिसका भागीदारी जितना है उतना उसको सबको हिस्सेदारी यहाँ हम लोग देने का प्रयास करते हैं और उन लोगों को मिलेगा, बशर्ते चालू होगा तभी तो। हम लोग पहले चालू करावे उसके बाद हिस्सेदारी का हम लोग बात करें। इसमें मरते दम तक आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन को उग्र भी होने का संभावना है यदि प्रबंधन इस बात को नहीं समझा तो। यदि उसको शांतिपूर्ण ढंग से यदि वो चालू कर देता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से एक इंच एक रोड़ी भी हम लोग को यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। ये जब भी होगा तो लेबर लोडिंग के द्वारा ही होगा, मजदूर हित का काम जब होगा उसके बाद ही दूसरा कोयला को हम। बागमारा के गजली ठाण बस्ती में मूल निवासी के अधिकारियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान के प्रति संवैधानिक अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक किया। मूल निवासी के अधिकारियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आमजनों को बताया कि सबसे पहले आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित करें, नशे से दूर रखें और बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आज मूल निवासी संघ के बैनर तले इस गदली टाड़ के लोगों को संवैधानिक जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। संवैधानिक जागरूक, संविधान के बारे में बताने के लिए, संविधान में प्रदत्त उनके हक और अधिकार को बताने के लिए। क्या क्या यहाँ के लोग, जैसे आपने सुना कि यहाँ के बच्चे जो है पढ़ने नहीं जा रहे स्कूल में, जबकि उनको संविधान के तहत स्कूल में पढ़ने का शिक्षा का अधिकार है, वो पढ़ सकते हैं। पढ़ करके दूसरी बात है कि संविधान मना करता है नशा के लिए, नशाबंदी के लिए। उस संविधान के आर्टिकल 38 के अंतर्गत ही बिहार में नशाबंदी किया गया, मतलब नशा का विरोध करता है। हमारे लोग यहाँ से बोले कि संविधान में जो लिखा है, जो अधिकार है और उसमें जो नियम है क्या है कि नशा नहीं करना है, संविधान के बारे में बताएं। दूसरी बात कि संविधान ये कहता है कि भारत देश के प्रत्येक नागरिक को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार उसको केंद्र सरकार देगी, जो सरकार है राज्य सरकार वो देगी। इसका मतलब गरिमा में जीवन कैसे होगा, उसके पास अधिक पैसा है, अच्छा एक पैसा होगा तभी होगा, और अच्छा पैसा कहाँ से आएगा जब तक उसको। बोकारो में पत्थरबाजी में शामिल आरोपी की गिरफ्तारी के विरोध में काला पत्थर के ग्रामीणों ने चास मुफस्सिल थाने का घेराव किया। थाना घेराव कर ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। काला पत्थर में नगर निगम द्वारा कचरा निस्तारण प्लांट निर्माण कार्य का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने पथराव किया था, जिसमें नगर निगम की गाड़ी और जेसीबी क्षतिग्रस्त हो गई थी। मामले में चास सीओ दिवाकर दुबे ने 10 लोगों को नामजद बनाते हुए 200 से अधिक अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। इसी मामले में पुलिस ने देर रात एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। साहिबगंज के बीएसके कॉलेज में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय के प्रचार को 10 सूत्री मांग को लेकर घेर लिया। प्रदेश अध्यक्ष थॉमस रॉबर्ट ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति नामांकन के लिए आ रहे एनएसएससी और एनसीसी को यथाशीघ्र महाविद्यालय में प्रारंभ करवाया जाए, अन्यथा छात्र आंदोलन करेंगे। आज कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हमें विवश होकर आज प्रचार के सामने अपनी मांगों को रखना पड़ा। कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि आज बीएसके कॉलेज में इतनी गर्मी में जो परीक्षाएं चल रही है, इसमें ना तो छात्रों के लिए पीने का पानी है, ना ही कोई बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। अगर बिजली ना होने पर डीजी को भी बंद रखा गया है, तो ऐसे में एनएसयूआई मांग करती है कि परीक्षा लेने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए ये कहाँ है। इसके अलावा एनईपी जो 2 सालों से लागू हो गया है, जो 2 सालों से पढ़ाया जा रहा है, उससे संबंधित जो भी पुस्तक होते हैं वो लाइब्रेरी में अभी तक नहीं पहुँची है। और प्रचार का
क्या नाम है कि आप अगर मांग करते तो ही हम यहाँ पे विद्यालय में पुस्तकालय लाते हैं। इसके अलावा एनसीसी और एनएसएस जो नामांकन लेने वाले छात्र हैं, एनसीसी एनएसएस के नाम पे उनसे पैसा लिया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन एनसीसी और एनएसएस अब कॉलेज में बंद हो चुका है। ऐसे में हमारी ये मांग है कि अगर एनसीसी एनएसएस चालू नहीं कराया गया तो जितने भी नामांकन लेने वाले विद्यार्थी हैं सभी को उनका जो पैसा एनसीसी एनएसएस के नाम पे कटाया गया उसको वापस किया जाए। इसके अलावा बहुत ऐसे विषय हैं जो प्रमुख विषय हैं, जैसे कि फिजिक्स और मैथ, उसके अलावा संस्कृत है, हिंदी है, ये सब विषयों में टीचर नहीं है। तो अगर शिक्षक की कमी है, शिक्षक नहीं है, तो अभी जो नामांकन लिया गया उसे छात्रों को क्लास कौन लेगा। और खबरों में बढ़ते आगे, बोकारो से खबर आ रही है जहां बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति की पत्थर से पीट पीट कर हत्या कर दी है। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस कैंप कर रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल भी शुरू कर दी है। घटना बीएस सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2A इस्पात विद्यालय का है। मौके से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पत्थर को जब्त किया है। थाना प्रभारी सुदामा दास ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा है, फिलहाल पूरी तफ्तीश की जा रही है। सेक्टर 2 का एक स्कूल है, पुराना एबंडेंड, उसके ग्राउंड में एक शव बरामद हुई है। अभी प्रथम दृष्टया देखने से उसका हत्या प्रतीत हो रहा है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई, हम लोग पहचान करने की कोशिश करते हैं और जो अगर कार्रवाई होगा हम उसमें। क्या लग रहा है हत्या? हाँ, प्रथम दृष्टया तो हत्या का ही मामला लग रहा है। किस चीज़ से किया गया? ये लग रहा है कि किसी पत्थर से, भारी पदार्थ। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलेवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड च्वाइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।